गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स राम भाई यादव समस्तीपुर वाले आप सभी का स्वागत है वर्षिका सोनम अमनदीप प्रियंका अविराज दिशा देवेश आप सभी का स्वागत है एग्जाम अड्डा 360 सिक्सटी करंट अफेयर सेक्शन एट 7 पीएम ठीक है फटाफट आप सभी लोग लाइव आइए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करें कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई बताइए हम अच्छे हैं आप लोग बताइए अपना रिया सिंह गुड इवनिंग आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है अभी अखबारों और फेसबुक की सुर्खियों देख रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट ये भागलपुर का था ये पटना का था ये मुजफ्फरपुर का था ये रोहतास का है ये पूर्णिया का है ये बनारस का है ये चार भाई बहन है ये सारे लोग कम्पीट कर गए इन लोगों का नाम लगातार सुर्खियों में आ रहा है ये, ये वो लोग हैं जिन्होंने ना बरसात देखी ना जारा देखा ना धूप देखा ना कोचिंग बंद है खुला हुआ है आज क्लास कैंसिल है कुछ नहीं देखा ये वो लोग हैं जो लगातार अपने पढ़ाई पे फोकस किए रहे और अपना उसका मेहनत का परिणाम ये है कि रिज़ल्ट आज उनके सामने है तो आप लोग से भी यही अपेक्षाएँ हैं कि परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी ना होने देते हुए अपनी पढ़ाई पर कंटिन्यूस पढ़ाई जो भी कीजिए पाँच घंटे छः घंटे सात घंटे जो भी आपको लगता है कि मेरे मेरा पोटेंशियल इतना है उतना पढ़ाई रेगुलर डेली बेसिस पे कीजिए डेली बेसिस पे कीजिए टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है तो एक सेट भी जरूर बनाइए सेट बनाने से क्या होगा कि आपका अपना जो मार्किंग होगा वो आपको पता चलेगा कि मुझे कितना मार्क्स आ रहा है ठीक है चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन अपना ये करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं तो ये करंट अफेयर्स सेक्शन आपको काफी मदद करेगा इसमें आप नॉट ओनली करंट अफेयर्स बस कुछ उसके इस तरह के बैकग्राउंड में हम लोग क्वेश्चन जो डील करते हैं वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है हम लोग अपना आज का करंट अफेयर सेशन स्टार्ट करते हैं हाँ डेली अगर सेट बनाते हैं तो बहुत अच्छे करते हैं डेली सेट बनाइए एक टाइम में सेट बनाइए और बाद में फिर उसमें देखिए उसका मार्किंग देखिए और क्या गलती उसमें हुआ है उसको उसको रिव्यू जरूर कीजिए कहाँ पे आपसे गलती हो रही है हाँ आई विश यू द सेम लक्ष्मीकांत हिमांशु ठीक है चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना सेशन कंप्यूटर जी आजकल आइए फर्स्ट क्वेश्चन चलिए पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग कल ही हम लोग इसमें डिस्कस कर रहे थे कि नए कैग के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है आज वो नियुक्ति आ गई वो कौन है बताइए राजीव महर्षि जी मुर्मू गिरीश चंद्र सक्सेना राजीव गौवा राजीव महर्षि जी मुर्मू गिरीश चंद्र सक्सेना राजीव गौवा सबसे पहला आंसर आया है अमनदीप का राजीव गौवा नहीं राजीव गौवा नहीं है रजत श्रीवास्तव फर्स्ट आंसर करेक्ट लेके आए हैं जीसी मुर्मू द एक्स एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु हैज बीन टी एज अ चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट ऑफ गुजरात वाइल नरेंद्र मोदी वॉज द चीफ मिनिस्टर देयर उन्हें ही अभी जी मुर्मू को नया कंप्रोट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है और ये भारत सरकार के सभी भारत सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स के या ऐसा कोई भी जो यूनिट है जिसको भारत सरकार अनुदान देती है उन सभी का जो भी एक्सपेंडिचर या इनकम होता है उसको ऑडिट करते हैं यानी ये ऑडिटर का हुआ सबसे टॉप मोस्ट भारत सरकार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो ऑडिट करता है वो वो हुआ कैग ऑडिटर जनरल और ये राजीव महर्षि जो फर्स्ट ऑप्शन है वर्तमान में अभी वही थे उनकी जगह पे जीसी सी मुर्मू साहब की नियुक्ति की गई है और ये चौदह में भारत के कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हैं क्लियर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की गई है और ये आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का विच आर द फ़ॉलोइंग नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया विथ होम इंडिया हैज नो मैप रिलेटेड इश्यूज लेटली अभी हाल फिलहाल में इस इनमें से किस देश के साथ भारत का कोई नक्शा विवाद नहीं रहा है चाइना नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान बताइए चाइना नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान सबसे पहला आंसर आया है पाकिस्तान खुशबू प्रिया खुशबू प्रिया टू सी हजरत श्रीवास्तव टू डी अभिराज पटेल टू सी दिशा सिंह बताइए क्या होगा आंसर ऐसा करेक्ट इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ भारत का भी हाल में कोई नक्शा के संबंध में विवाद नहीं रहा चाइना चाइना और भारत के विवाद रहा है किस चीज का नक्शा का एल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके चाइना अपना तरफ का नक्शा ला लाता है और जिससे भारत ने हम विरोध जताया है नेपाल के साथ भारत का काला पानी लिपुलेक और लिम्पूदरा को लेके नक्शा विवाद हुआ है इन तीनों स्थानों को नेपाल सरकार अपने नक्शे में शो करते हुए वहाँ का कानून ही बना दिया गया उसे वहाँ पर फिर ऑप्शन बचा आपको श्रीलंका एंड पाकिस्तान पहले पाकिस्तान देख लेते हैं पाकिस्तान ने भी हाल में अपना एक नक्शा मैप जारी किया है जिसमें उसने पूरे जम्मू एंड कश्मीर को विवादित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है लद्दाख के कुछ एरिया को सर क्रीक जो गुजरात और जो उसका सिंध प्रांत है उसके बीच में जो पानी की पतली धार वाली जगह है उसे और एवन जूनागढ़ जहाँ पे 1948 में जनमत के द्वारा ये निश्चित हो निर्धारित हो गया था कि भारत की तरफ वो रहना चाहता है वहाँ के राजा जो जूनागढ़ के महाराजा थे उन्होंने कहा था कि नहीं मैं पाकिस्तान में मिलना चाहता हूँ लेकिन चूंकि बहुसंख्यक आबादी वहाँ की हिंदू थी एक प्लेब्सलाइट हुआ था एक जनमत हुआ था उस जनमत में डिसीजन नाइन्टी परसेंट लोगों ने कहा था कि हम भारत के साथ हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं उसे भी उस एरिया को भी विवादित बनाने की कोशिश वहाँ की तहरीक इंसाफ पार्टी के इमरान खान ने अभी करने की कोशिश की है ठीक तो इसमें वो करेक्ट आंसर क्या होगा श्रीलंका श्रीलंका के साथ अभी हाल फिलहाल में भारत का किसी भी तरह का कोई इस तरह का विवाद नहीं है करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका चाइना नेपाल और पाकिस्तान के साथ अभी भारत का नक्शे के लिए विवाद चल जल रहा है और इसमें कोई Uh, ये um, क्या कहते हैं एग्रीग्रे नहीं कहते हैं कि चाइना ही सारे चीजों के पीछे हो सकता है नेपाल और पाकिस्तान के साथ हो सकता है जिस तरह का विवाद वो अपने हर पड़ोसी मुल्क के साथ खड़ा कर रहा है तो करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका सबसे पहला करेक्ट आंसर कौन दिया है मैं फर्स्ट थ्री का नाम बताता हूं आपको खुशबू प्रिया खुशबू प्रिया इज द फर्स्ट वन टू अभिराज पटेल दिशा सिंह प्रियंका प्रकाश एंड द फिफ्थ वन इज देवेश त्रिवेदी पांच लोगों का मैंने नाम बताया है इन पांच लोगों का सबसे पहले सही जवाब आया है ठीक है क्लियर है ये क्वेश्चन आप लोगों को मैप विवाद अभी भारत का सिर्फ श्रीलंका के साथ अभी इन चारों मुल्कों में श्रीलंका के साथ नहीं चल रहा है श्रीलंका होगा आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही नेक्स्ट क्वेश्चन द रूलिंग पार्टी ऑफ प्राइम मिनिस्टर महिंदा राजपक्षा ऑल सेट टू गेन कंप्लीट मेजोरिटी इन द श्रीलंकन इलेक्शन वॉट इज द नेम ऑफ दिस रूलिंग पार्टी अभी श्रीलंका में जो वर्तमान में रूलिंग पार्टी है महिंद्रा राजपक्षा की उसने इलेक्शन जीत लिया है उस रूलिंग पार्टी का नाम क्या है बताइए श्रीलंका पोदू जना पेरुमा यूनाइटेड नेशनल पार्टी समाकी जना बलवेगिया जनता विमुक्ति पेरनुमा बताइए करेक्ट आंसर ये रूलिंग पार्टी पूरा वहां एक ही फैमिली की पार्टी है महिंद्रा राजपक्षे है गोटाबाया और इनका एक तीसरा भाई था जो इनका इलेक्शन इंचार्ज थे जो बहुत दक्ष है, जैसे अपने यहाँ प्रशांत किशोर हैं प्रशांत किशोर इलेक्शन के में दक्ष माने जाते हैं तो उनका जो थर्ड भाई है वो इलेक्शन इवेंट को मैनेज करने में दक्ष है ठीक है तो बताइए जनता विमुक्ति पेरोनुमा थ्री का डी कुछ लोगों का कहना है श्रीलंका पोदूजना पेरोनुमा बताइए ए और डी पेरोनुमा दोनों में इसलिए सब अंदाज से मार रहे हो कि क्लियर कट बता रहे हो बता तो कौन आंसर बताया है सही ही डी परिमोरिया डी जनता विमुक्ति पेरोनुमा नहीं जनता विमुक्ति पेरोमा सही आंसर नहीं है जब जब नाइन लिट्टे के साथ बहुसंख्यक सिंहलियों का वहाँ विवाद अपने चरम पे था तो लिट्टे तमिल के हितों की रक्षा करते हुए उग्रवादी घटनाओं को घटनाएं को देती थी और जनता विमुक्ति पेरोन्मा जो वहाँ की बहुसंख्यक सिंहली आबादी है उनके तरफ से वो युद्ध लड़ रहा था तो जनता विमुक्ति पेरोनुमा एक प्रतिबंधित संगठन है श्रीलंका में जो अब की इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है ये अभी नहीं है लिट्टे की तरह ही जनता विमुक्ति पेरो भी, भी उग्रवादी गतिविधियों में लिप्त था करेक्ट आंसर इसका होगा श्रीलंकन पुदूजना पेरामुना ठीक है करेक्ट आंसर इसका होगा ए जिन लोगों का ए आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है जनता विमुक्ति पेरोनुमा एक उग्रवादी संगठन है अब देखते हैं सबसे पहले इसका आंसर किसका आया है थ्री का ए रजत श्रीवास्तव प्रियंका राज आयुष झा वर्षिका फिफ्थ वन इज रिया सिंह ठीक है करेक्ट आंसर से क्या होगा श्रीलंका पोदुजना पेरनुमा इस पार्टी को जिसके की वर्तमान में लीडर महिंदा राजपक्षे हैं उसको श्रीलंकन चुनाव में 60 प्रतिशत मतों के साथ पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है करेक्ट आंसर थ्री ए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए कल हम लोग लेबनान पे बहुत सारे क्वेश्चन किए थे उसी में एक क्वेश्चन और राष्ट्र प्रमुख है आज की वो किस देश के हैं जो की अभी बेरूत का दौरा कर रहे हैं वहां के लोगों के सपोर्ट में जो कुछ दिन पहले तक कुछ दिन पहले बहुत भीषण बम विस्फोट झेला है पीएम ऑफ यूके बोरिस जॉनसन पीएम ऑफ कनाडा टू डू सम प्रेसिडेंट ऑफ यू एस ए एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस एमलॉल मैक्रॉन बताइए ये जो इस कंट्री के शीर्ष नेतृत्व तो वो जा रहे हैं बेरूत फलिस्तीन सॉरी ये लेबनान वो कंट्री पूर्व में वहाँ का कॉलोनी रह चुका है पूर्व में वहाँ का जिस तरह हम लोग इंग्लैंड के कॉलोनी थे उसी तरह उस कंट्री का कॉलोनी वो रह चुका है इंग्लैंड कनाडा यू फ्रांस क्या हो आंसर बताइए ए बी सी डी हर ऑप्शन आ रहा है आप लोग का शशांक शेखर यूएसए का कॉलोनी फिलीपींस था ये कौन है हम लोग का लेबनान तो यूएसए नहीं है चार का बी कनाडा प्रियंका राज बताइए एकदम कंफर्म बताइए वंदना कुमारी प्रियंका राज का कहना है डी लक्ष्मीकांत हिमांशु डी रूपेश कुमार गुंजन सिंह का भी कहना है डी अमनदीप डी यस द करेक्ट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस मैक्रोन इज विजिटिंग बेरूत इन सपोर्ट ऑफ द लेबनिज पीपुल ठीक है ये फोर डी कंफर्म आंसर है इसका करेक्ट आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो अभी बेरूत के दौरा कर रहे हैं फ्रांस पूर्व में वहां का कॉलोनियल शासक था फिलिस्तीन का और वहाँ के लोगों के सपोर्ट में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए वो कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं और, और पे वहां की जनता ने बहुत ही खुले हृदय से उनका स्वागत किया है कि हम लोग को इस जो लेबन एवं समय में काफी डेवलप्ड कंट्री माना जाता था अभी इस तरह की हिंसक गतिविधियों के कारण वह काफी परेशानी में है करेक्ट आंसर होगा प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस इज विजिटिंग लेबनान क्लियर है सबसे फर्स्ट जो करेक्ट आंसर आया है देखते हैं इसमें फोर लक्ष्मीकांत हिमांशु फोर डी आयुष झा वंदना रजत अमरजीत एंड गुंजन सिंह ठीक है करेक्ट आंसर परी मौर्या का भी बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इसका होगा प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूएसए इज अपोजिंग विच कंट्रीज बीट टू ज्वाइन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किस देश के शामिल होने की दावेदारी का विरोध कर रहा है बताइए चाइना नॉर्थ कोरिया क्यूबा ईरान सभी उसके दुश्मन मित्र हैं दुश्मन देश हैं चाइना नॉर्थ कोरिया क्यूबा ईरान किसी देश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका का किसी तरह की कोई दोस्ती नहीं है इनफैक्ट उनके साथ थोड़ा बहुत दोस्ती है तो नॉर्थ कोरिया के साथ है जिसके साथ कुछ कुछ मीटिंग उटिंग करते रहते हैं बताइए इसका आंसर करेक्ट आंसर बताइए फोर ये फाइव है चाइना एशियन कंट्री है नॉर्थ कोरियन भी एशियन कंट्री है क्यूबा आपको अमेरिकन कंट्री है कैरेबियन सी में है और ईरान भी एशियन कंट्री है इनफैक्ट क्यूबा उनका पड़ोसी देश है चाइना अरे कोई आंसर अभी तक सही नहीं आया है पांच का ए चाइना पांच का ए एक भी आंसर सही नहीं आया ये वो कंट्री है जो शीत युद्ध के समय में शीत युद्ध सुने आप लोग शीत युद्ध के समय में अमेरिका के विरोध में ये कंट्री खड़ा था उसका पड़ोसी मुल्क है और पड़ोसी मुल्क रहने के बाद भी ये सोवियत संघ के तरफ पूरी तरह से झुका हुआ कंट्री था आप बताइए अब आंसर खटाखट सही आना चाहिए क्यूबा फिदौल कास्त्रो वहां के जो तानाशाह है वो पूरी तरह से कम्युनिज्म थे कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे और अभी ये कंट्री को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल करने का कर प्रस्ताव चल रहा है जिसका अमेरिका ने खुले तौर पे विरोध किया है कि क्यूबा को किसी भी कीमत पे उसमें शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्यूबा जिसका कैपिटल है हवाना ठीक अब आंसर आप लोगों का सही आया क्यूबा फाइव का सी देखे फाइव का सी कौन कौन बताया है पहले शुरू में तो कोई नहीं था क्यूबा गजेंद्र कुमार ए न्यू इंट्रेंट गजेंद्र कुमार का सबसे पहला सही आंसर है प्रियंका राज नेक्स्ट वन वंदना कुमारी प्रीति प्रीति यादव सोनी कुमारी शशांक शेखर इन लोगों का आंसर बिल्कुल सही है क्यूबा क्यूबा इज द राइट आंसर क्यूबा कैपिटल कहां है हवाना है कंप्यूटर जी नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ये, ये कैरेबियन सी में अवस्थित कंट्री है अमेरिका का एकदम पड़ोसी मुल्क है करेंसी वहां का है पेसो क्यूबन करेंसी क्या है पेसो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए टिकटॉक के लिए इतना हल्ला मचा हुआ है पूरी दुनिया में टिकटॉक हिंदुस्तान से बैन हो गया आज अमेरिका से भी बैन हो गया है अमेरिका पहले बोला था 15 सितंबर लेकिन आज शायद बैन कर दिया है टिकटॉक अनाउंस प्लान फॉर ए फर्स्ट डाटा सेंटर फॉर यूरोपियन यूजर्स इन यूज इन विच यूरोपियन कंट्री किस यूरोपियन कंट्री में टिकटॉक ने अपना डाटा सेंटर खोलने का प्लान किया है बहुत आसान क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है शशांक शेखर सिक्स बी रजत श्रीवास्तव सिक्स बी चलिए आप लोग लाइव आइए जल्दी जल्दी हाँ स्टार्ट हो रहा है चलिए आइए दो मिनट वेट कर लेते हैं आप लोग का सभी लोग जुड़ जाइए आज का सेशन काफी इंफॉर्मेटिव था अभी तक जो भी क्वेश्चंस था काफी इंफॉर्मेटिव था नेट इशू नेट इशू ऐसा है कि इस पर किसी का जोर ही नहीं चलता है हाँ चलो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ नाउ क्लियर हाँ अभी का वेदर भी ऐसा है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस जो रहता है इस तरह की मैंने चार्जेस काफी हाई रहता है लेकिन फिर भी उन लोगों का सर्विस उस तरह का अप टू द मार्क नहीं रहता है चलो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन क्वेश्चन टिकटॉक किस देश में यूरोपियन कंट्री में अपना डाटा केंद्र बनाने की योजना बना रहा है फ्रांस आयरलैंड सर्बिया चेकोस्लोवाकिया स्नेहा मीनू का कहना है आयरलैंड सिक्स का बी वंदना कुमारी बी बी आयरलैंड बी कौन सा आयरलैंड बी करेक्ट आंसर आयरलैंड इसमें कहीं कोई शक नहीं है आयरलैंड में टिकटॉक अपना यूरोपियन डाटा सेंटर बनाने की योजना बना रहा है करेक्ट आंसर इसका होगा सिक्स का बी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग हां करेक्ट आंसर आयरलैंड सिक्स बी जिसका भी बी आंसर सही है वो सब सही है चलिए इसका बताइए इकोनॉमिक क्वेश्चन है आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द आज जो कल आया था आपको आरबीआई का बाय मंथली जो उसका मीट होता है उसमें उसमें, उसमें इसमें चेंज किया उन्होंने इसमें आरबीआई हैज डिसाइडेड टू इंक्रीज द परमिसेब लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर लोन्स अगेंस्ट प्लेस ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पज टू हाउ मच परसेंट सेवेंटी फाइव एटी एटी फाइव नाइन्टी पहले इसका मतलब क्या हुआ लोन टू वैल्यू रेशियो इसका क्या मतलब हुआ? पहले ये बताइए। सेवन का आंसर सेवन ए एकदम एक लाइन से सब बोल दिया है ए और कुछ लोग बी भी बोले हैं एनी डिफरेंस गुंजन सिंह का कहना है क्या नब्बे परसेंट बाकी सेवन ए सेवेंटी फाइव परसेंट लोन टू वैल्यू रेशियो क्या होता है बताइए लोन टू वैल्यू रेशियो हुआ कि आप जो गोल्ड ऑर्नामेंट लेके बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो उसका जो वैल्यूएशन होगा उसका मैक्स उस वैल्यूएशन का मैक्सिमम कितना प्रतिशत बैंक आपको लोन दे सकता है मान लीजिए दस लाख का सोना ले गए तो मैक्सिमम आपको अगर सेवेंटी फाइव परसेंट है तो साढ़े सात लाख आपका लिमिट हो गया आप जितने के लिए अप्लाई कीजिएगा उसके अंदर आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन लोन तो अभी आर ने कोविड नाइन्टीन के कारण से उसको चेंज किया है थोड़ा बढ़ा दिया है ताकि लोग अपने घरों का सोना ज्वेलरी लेके जाए और अपना लोन लेके अपना काम चलाएँ जिसके लिए नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट अभी जो भी उनका स्टिमुलस पैकेज है वो लोन पे आधारित है बैंकिंग सिस्टम पे ही सारा उन्होंने अपना भार डाल दिया है ठीक कि स्टिमुलस पैकेज लीजिए जो भी रिलीफ लेना है लोन लीजिए अपना लोन से काम चलाइए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए सेवेंटी फाइव या नाइन्टी अब बताइए दो हिंट आपको हम दे रहे हैं सेवेंटी फाइव परसेंट या नाइनटी परसेंट एट्टी और एट्टी फाइव नहीं है सेवनटी फाइव या नाइनटी अब सही आंसर ज्यादा आ रहा है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 90 परसेंट अभी तत्काल में रिलीफ दिया गया है मार्च तक के लिए यह है कि अप टू मार्च ये 90 परसेंट रहेगा अभी वर्तमान में ये 75 परसेंट है मार्च के बाद यह फिर से लोन टू वैल्यू रेशियो एलटीवी रेशियो क्या हो जाएगा 75 परसेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा नाइन्टी ठीक है चलो इसमें देखें सबसे पहले सही आंसर कौन दिया शुरू में तो सब दिया था ए सेवेंटी अनीता यादव नाइन्टी परसेंट गुंजन सिंह दिशा स्नेहा मीनू अमनदीप प्रियंका राज इन सबों का आंसर है नाइन्टी परसेंट लोन टू वैल्यू रेशियो अभी तत्काल में उसको इंक्रीज किया गया है बाद में जो अभी एग्जिस्टिंग रेशियो है वही आ जाएगा सेवेंटी फाइव परसेंट करेक्ट आंसर नाइन्टी परसेंट होगा सेवन का डी नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी के चेयरमैन है अजय त्यागी उनका टर्म अभी कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है फरवरी 21 मार्च 2022, फरवरी 2022, दिसंबर 2021। बताइए सेबी चेयरमैन का कार्यकाल कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है बताइए एट का आंसर ए बी ए में क्या है ट्वेंटी वन मार्च ट्वेंटी टू डी बी ए ए बी एक आध लड़का बोल रहा है जैसे लक्ष्मीकांत अनीता इन लोगों का बोलना है सी अनिता करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है करेक्ट आंसर इसका फेब्रवरी ट्वेंटी ट्वेंटी टू होगा सेबी चेयरमैन का कार्यकाल 28 फरवरी 2022 तक के लिए अभी वर्तमान में बढ़ा दिया गया है सेबी क्या करता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये शेयर मार्केट का संबंधित नियामक एजेंसी है शेयर मार्केट के संबंधित में जो भी नियम बनाना है इसका प्रमोशन के लिए जो भी करना है उसका कौन कौन इसको डील करता है सेबी करता है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एट का सी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेबी चेयरमैन अजय त्यागी हैं ये आप लोग याद रखिएगा hmm. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है या क्या जाएगा अगस्त एट अगस्त सेवेंथ अगस्त सिक्स अगस्त टेंथ नाइन का सबसे पहले आया है जवाब इसमें रजत श्रीवास्तव नाइन बी सेवेंथ अगस्त प्रियंका राज आयुष झा अमनदीप गुंजन सिंह इन सबों का आंसर बिल्कुल सही है राष्ट्रीय हस्पर्धा दिवस अगस्त सेवेंथ को मनाया जाता है कौन सा डिपार्टमेंट इसे मनाता है कौन सा मिनिस्ट्री इसे मना रहा है बताइए सेवेंथ अगस्त बिल्कुल सही है स्नेहा मीनू अमृता कुमारी आप लोग का आंसर भी सही है कौन सी मिनिस्ट्री से मनाती है टेक्सटाइल मिनिस्टर टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनकमेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है स्मृति ईरानी ठीक है गुड रजत अच्छा ये बताइए राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है इसमें टेक्सटाइल से संबंध मिनिस्ट्री मना रहा है और हथकरघा उद्योग में करीब 70 प्रतिशत महिलाएं काम करती हैं ये जो दिवस मनाया जा रहा है ये किस दिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है सात अगस्त का दिन जो चूज किया गया है क्या इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है बताइए बताइए रजत योर आंसर सबसे पहले आता है तुम्हारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ये गांधी जी नहीं गांधी जी नहीं थे उस समय शायद उनसे भी पीछे बंगाल भी स्वदेशी मूवमेंट बिल्कुल सही गुंजन सिंह बंगाल विभाजन के समय जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो सात अगस्त को ये स्टार्ट हुआ था उसी दिन को कॉमेमोरेट करते हुए यह राष्ट्रीय हथकरघा दिवस अगस्त सेवेंथ अगस्त से मनाया जाता है उस समय भी हम लोगों ने क्या किया था स्वदेशी मूवमेंट में क्या हुआ था विदेशी चीज़ों विदेशी कॉलेजों स्कूलों कपड़ों हर तरह का विदेशी चीज़ जो उस समय हमारे समाज में उपस्थित था सभी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया, गया था और लोगों ने स्वदेशी अपनाया था स्वदेशी निर्मित कल कारखाने का उस समय काफी ज़्यादा उसी से बने सामान को लोग यूज कर रहे थे तो उसी स्वदेशी की भावना के तहत सात अगस्त से राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कोई इशू नहीं है नेट स्लो जाता है बहुत होगा आपका आगे पीछे क्वेश्चन हो सकता है आपका इंफॉर्मेशन जानकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए चलिए बताइए पूर्व परिवहन मंत्री श्यामल चक्रवर्ती का 6 अगस्त 2020 को निधन हो गया और किस राजनीतिक दल के हिस्सा थे सीपीआईएम बीजेपी कांग्रेस टीएमसी श्रीवास्तव का कहना है सीपीआईएम लक्ष्मीकांत हिमांशु कांग्रेस स्नेहा मिनु ए आयुष झा ए करेक्ट आंसर बिल्कुल आ रहा है वो सीपीआईएम के हिस्सा थे ज्योति बसु सरकार में परिवहन मंत्री थे श्यामल चक्रवर्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा टेन का ए सीपीआईएम नेक्स्ट क्वेश्चन बंगाल के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बिल्कुल सही इंडियाज फर्स्ट किसान रेल टू रन बिटवीन विच टू स्टेट्स भारत का पहला किसान रेल जिसमें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जहां सरप्लस स्टेट है वहां से आपको जहां डिफिशियंट स्टेट या जहां उसकी खपत ज्यादा है वहां उसको ले जाया जाता है कर्नाटका यूपी एमपी केरला महाराष्ट्र बिहार आंध्र प्रदेश बिहार करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए सबसे पहला सही जवाब आया है पिपुन रजत श्रीवास्तव स्नेहा मिनु देवेश अमनदीप प्रियंका निकिता दिशा सिंह इन सबों का आंसर बिल्कुल सही है और करेक्ट आंसर क्या है सी महाराष्ट्र बिहार महाराष्ट्र में नासिक रेंज से शुरू होगा और बिहार में दानापुर तक ये ट्रेन आएगी जो वहाँ का इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसे लेते हुए जल्द से जल्द वो किसान रेल इन दो स्टेट के बीच में चलेगी बीच में जो भी स्टेशन इंपॉर्टेंट स्टेशन होंगे वहां, का, वहां के नीड्स को भी ये कैटर करेगी ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए फिर आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी आ जाते हैं रेपो रेट कितना प्रतिशत के पर अनचेंज रखा गया है रेपो रेट फोर परसेंट फोर पॉइंट फाइव परसेंट फाइव परसेंट थ्री पॉइंट सेवन फाइव परसेंट ये तो सबका सही होगा बारह ए रजत आलोक स्नेहा वर्षिका अमनदीप सोनी अनु सिंह प्रियंका राज स्नेहा मीनू खुशबू प्रिया दिशा सिंह सबका सही है रेपो रेट बैंक रेट में क्या अंतर है जल्दी बताइए दोनों में हम लोग क्या करते हैं बैंक आरबीआई से फंड बोरो करता है अंतर क्या हुआ दोनों में रेपो रेट एंड बैंक रेट बैंक रेट का हम फैक्चुअल नहीं पूछ रहे हैं इसका अभी आप लोग को इकोनॉमिक्स वाले सर ने क्लास लिया है इस पर गुड आयुष धा रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है बहुत अच्छा और बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है बहुत एक्सलेंट आंसर कौन सा आयुष अभी रेपो रेट में भी जो कोविड नाइन्टीन में लॉन्ग टर्म के लिए एल टी आर ओ लाया लाया गया था लेकिन ये बेसिक डिफरेंस यही हुआ कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए हुआ और जो बैंक रेट हुआ उसका टाइम पीरियड थोड़ा ज़्यादा रहता है यस बहुत अच्छा गुड जो लोग क्लास किए होंगे काफ़ी इन्फॉर्मेटिव क्लास था वो और मैंने ही सर को कहा था कि आप एक क्लास लेके इस तरह का आइए कि जिसमें रेपो रेट बैंक रेट रिवर्स रेपो रेट एम टी एल आर सी आर आर एस एल आर जो भी है जो भी जो लोग क्लास वो अटेंड नहीं किए हैं उसका जो वीडियो अवेलेबल होगा उस वीडियो को जरूर देखिएगा इससे आपका क्या होगा कंसेप्ट क्लियर होगा ये काफ़ी जरूरी चीज़ है इस तरह का आंकड़ा फैक्चुअल आंकड़ा या कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में ठीक है बिल्कुल सही चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करेक्ट आंसर होगा ए ट्वेल्व का ए फोर परसेंट रिवर्स रेट जनरली बैं, बैंक हमेशा बैंक इससे रेपो रेट से कम रहता है और वो थ्री पॉइंट थ्री फाइव परसेंट है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गुएना के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है गुएना एक कैरेबियन कंट्री है साउथ अमेरिकन कंट्री है कैरेबियन कंट्री है मार्क फिलिप्स मोजे नगमट टू डेविड जयदेव। हाँ बिल्कुल सही आंसर है गुएना के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया किसे मार्क्स फिलिप्स को बहुत अच्छा एज इज वेल द फर्स्ट करेक्ट आंसर कम्स फ्रॉम रजत श्रीवास्तव टेक्नोलॉजी एज वेल नॉलेज टेक्नोलॉजी और नॉलेज दोनों रजत श्रीवास्तव काफी फास्ट है इसलिए उनका आंसर लगातार सही आ रहा है वेरी गुड लक्ष्मीकांत हिमांशु दिशा अविराज आयुष प्रियंका प्रकाश अमनदीप स्नेहा इन सब वंदना अनु इन सबों का आंसर बिल्कुल सही है मार्क फिलिप्स इज द प्राइम अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ गुएना गुएना का कैपिटल कहां है बताइए बफरिंग कैपिटल ऑफ गुएना कैपिटल ऑफ गुएना जल्दी बताओ बहुत क्रिकेट खेल देखता है तुम लोग जॉर्ज टाउन वेस्ट इंडियन कंट्री है वेस्ट इंडीज की तरफ से यहाँ के खिलाड़ी काफी आते हैं वेस्टइंडीज क्या है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का प्रतिनिधित्व करते हैं वेस्टइंडीज कोई कंट्री नहीं है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है तो ये जो गोयना है वो भी काफी इंपॉर्टेंट आइलैंड है क्रिकेट टर्म्स में इसका Georgetown. Option नहीं देंगे, Georgetown. <laughs> चलो, next question. हो रहा है जॉर्ज टाउन ऑप्शन नहीं देंगे जॉर्ज टाउन चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बफरिंग हो रहा है कंप्यूटर जी आपका हाँ, फिर आ गया ठीक है चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चौदह चौदह का क्वेश्चन क्या है आंसर आना शुरू हो गया यहां नहीं आ रहा है हम्म आईएम सिरमौर का उद्घाटन अभी हाल में है किस स्टेट में किया गया है ऑप्शन है गुजरात असम हिमाचल सिक्किम गुजरात असम हिमाचल सिक्किम एक लाइन से सभी का आंसर बिल्कुल सही है सबसे पहले है रजत श्रीवास्तव स्नेहा मीनू दिशा सिंह देवेश त्रिवेदी गुंजन सिंह खुशबू प्रिया वंदना इसमें सबका नाम पढ़ देते हैं अन्नू अमनदीप वर्षिका प्रीति प्रियंका लक्ष्मीकांत अमृता अनीता सभी का आंसर बिल्कुल सही है ये कहाँ आई एम सिरमौर कहाँ है हिमाचल प्रदेश में चीफ मिनिस्टर जयराम सिंह ठाकुर ठीक है हाँ हिमाचल प्रदेश एकदम कन्फर्म आंसर आपका बिल्कुल सही है हिमाचल प्रदेश इज द कन्फर्म आंसर अभी सबसे अभी हम हाल में हिमाचल प्रदेश के बारे में इंफॉर्मेशन लिए थे कि एलपीजी कनेक्शन देने वाला जो स्टेट प्रथम स्टेट बना हुआ पूरे नागरिकों को हिमाचल प्रदेश ही था ठीक है और हिमाचल का क्या जानकारी हम लोग लिए अभी हाल फिलहाल में बताइए कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आता है तो उसका बैक जरूर देखने की कोशिश करना चाहिए कि हाल फिलहाल में उस स्टेट से संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई है एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाला फर्स्ट स्टेट बन गया हिमाचल प्रदेश अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक, एक आध महीने पहले ये क्वेश्चन आया था आज का लास्ट क्वेश्चन अभी नहीं देंगे अभी एक दो क्वेश्चन और है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए का ए आने लगा सबका पहले पहले आ जाता है इज द ऑथर ऑफ द बुक कोट टू विन निरुपमा यादव गोपीचंद, साइना नेहवाल बहादुर सिंह कोट टू विन सबसे पहले करेक्ट आंसर आया है देवेश देन रजत अविराज गुंजन से किस खेल से संबंधित है निरुपमा यादव यह बताइए सभी का आंसर गुंजन सिंह स्नेहा वर्षिका खुशबू वंदना दिशा अनु सभी प्रीति सभी का आंसर बिल्कुल सही है किस खेल से संबंधित है निरूपमा यादव क्रिकेट और बताओ कोई निरूपमा यादव किस खेल से संबंधित है टेनिस क्रिकेट से संबंधित है नहीं क्रिकेट से संबंधित नहीं है ये एक बास्केटबॉल से संबंधित हैं और इन्होंने बास्केटबॉल इस क्रिकेट डोमिनेटेड जो स्पोर्टिंग स्पोर्ट्स एरिया है स्पोर्ट हम लोग के देश का आपको तो लेडीज क्रिकेट भी काफी लोकप्रिय हो रहा है उसमें बास्केटबॉल के संबंधित खिलाड़ी की क्या व्यथा हो सकती है इस शायद कोर्ट टू विन में वही उन्होंने दर्शाने की कोशिश की है बास्केटबॉल कोर्ट टू विन के लेखक कौन है निरुपमा यादव ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी एक दो क्वेश्चन और है आप लोग घबराइए नहीं नहीं लास्ट क्वेश्चन नहीं है सिक्सटीन क्वेश्चन इज मे भी लास्ट नहीं है लास्ट नहीं है चलो देखते हैं कौन सा है सिक्सटीन का डी आंसर आ भी गया क्वेश्चन क्या है अच्छा इंदिरा रसोई इंदिरा रसोई जिसमें गरीबों के लिए दो टाइम्स सस्ते दर पे अनाज के व्यवस्था की गई है किस कांग्रेस स्टेट का ये भी स्कीम है बताइए ये क्वेश्चन तो आसान क्वेश्चन था, था। लेकिन अच्छा क्वेश्चन था रजत श्रीवास्तव डी आयुष झाट डी स्नेहा मीनू डी प्रियंका राज बी दिशा सिंह डी करेक्ट आंसर क्या होगा इसका राजस्थान राजस्थान किस ऑप्शन में आपके है इसमें क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है कमर जी चेंज नहीं हुआ करेक्ट आंसर आपका है राजस्थान राजस्थान ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा डी ठीक है राजस्थान राजस्थान जो अभी पॉलिटिकल टर्मोइल में स्टेट अभी पिछले कुछ दिनों से है वहाँ के गवर्नर कौन हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है वहाँ के स्पीकर कौन हैं है, ये सभी आपको बताइए कौन है स्पीकर बताइए आप लोग स्पीकर वहां अभी बहुत सुर्खियों में रहे हैं अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं वहां के स्पीकर का नाम बताइए ये क्वेश्चन हम लोग किए थे हु इज द स्पीकर ऑफ राजस्थान असेंबली अशोक गहलोत इज द चीफ मिनिस्टर आई एम आस्किंग अबाउट स्पीकर सीपी जोशी द बेटरन कांग्रेसियन कांग्रेसियन पार्लियामेंटरियन एंड मिनिस्टर इन द मनमोहन सिंह कैबिनेट सीपी जोशी इज द स्पीकर ऑफ प्रेजेंट राजस्थान असेंबली यस सीपी जोशी अब श्रीवास्तव देवेश सभी का सही है स्नेहा अनिता यादव सीपी जोशी इज द करेक्ट आंसर चलिए अब लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं लास्ट बस नॉट द लिस्ट सचिन पायलट वाज़ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर एज वेल एज द प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट ऑफ राजस्थान ही वाज समरली सेक्ट बाय द कांग्रेस पार्टी रिमूव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द चीफ मिनिस्टर

सावन पूर्णिमा जिस दिन थी उस दिन ये विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 17 का सावन पूर्णिमा कब था बताओ अफजल तीन अगस्त बिल्कुल सही देवेश तीन अगस्त एक आंसर पहले आया था सबसे पहले गुंजन सिंह करेक्ट आंसर क्या होगा तीन अगस्त को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जा, इस साल का 2020 का मनाया गया है और ये 1969 से मनाया जा रहा है संस्कृत का जो हम लोग शुरू में क्या था एंशियन टाइम में संस्कृत की बहुत ज़्यादा संस्कृत लैंग्वेज की बहुत महत्ता थी जो मैंने विद्वान जनों का लैंग्वेज संस्कृत था और आज के डेट में क्या होगा संस्कृत और सिर्फ क्लासों में एट्थ नाइन्थ क्लास तक के हम लोग पढ़ते हैं उसके बाद उसे भूल जाते हैं ठीक है एक जमाना था जब संस्कृत को पहला संस्कृत का अनुवाद विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की इंग्लिश ट्रांसलेट किया था ठीक है तो संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था विलियम जोन्स ठीक है तो संस्कृत डे हम लोग कब मनाते हैं वेन इज वर्ल्ड संस्कृत डे इज ऑब्जर्व थर्ड अगस्त सावन पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं और इस साल का सावन पूर्णिमा का दिन था थर्ड अगस्त चलिए इसी के साथ हम लोग आज का सेशन समाप्त होता है आप लोग सारे क्वेश्चंस को फिर से एक बार रिव्यू कीजिएगा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था सारा जिसका लॉन्ग लास्टिंग इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है ठीक चलिए टेक केयर बाय बाय गुड नाइट